तो भाई मैं जा रहा हूँ अब आइजोल की तरफ, और आइजोल के लिए देखता हूँ यार कोई बस मिल जाए या लिफ्ट मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए मैं चला जाऊंगा उसके लिए। तो बस मैं भी यही देख रहा हूँ कि मैं किस तरीके से जाऊँ। अभी मेरा कोई प्लान बना ही नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ, हिचाई करके जाऊँ या फिर ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ना सामान पैक हो चुका है सामान, और बाकी आप देख सकते हो रूम की हालत। तो भाई चलते हैं, लटका लिया है, चलते हैं यार। अभी चश्मा पहना नहीं है, क्या नहीं सुबह हुई है, आज मुँह धोल के हम निकल चुके हैं, नहाए नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा तेज है। आप देख सकते हो, और ये सामने मेरे है रेलवे स्टेशन। तो फाइनली गाइस घूम फिर के हम वापस आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, और हम जा रहे हैं सिलचर। अभी तो क्या है ना कि हमें ना कोई लिफ्ट देगा और ना ही हमें कोई लिफ्ट मिलेगी। तो भाई चलते हैं, अभी सामने आप देख रहे हो अगरतला रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है यार। इधर ना रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए हैं। तो भाई टिकट के लिए यहाँ पे ना युद्ध लड़ना पड़ता है, इतनी भीड़ है ना क्या ही बताएं यार। मैं बिल्कुल लास्ट में था और यहाँ तक पहुँच पाया हूँ आधे घंटे के अंदर। यहाँ पर इतना युद्ध लड़ने के बाद में भाई साहब फाइनली मुझे ना टिकट मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, यही शायद ट्रेन होगा मेरा। तो बस ये जा रही है टनल के अंदर, अब गाड़ी हमारी टनल में घुस चुकी है, टनल से बाहर भाई टनल हो धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर। अभी आपको पता है जैसे कि मैं पहुंच चुका था धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हुआ तो यहाँ पे भाई ने सुंदर सुंदर चाय पिलाया, भाई मस्त चाय दी। ऐसा नहीं है भाई का नाम क्या है? ओबी भाई के पास चाय पिया यार, मजा आ गया। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो ना, भाई की स्टॉल यहीं पे मिलेगी आपको, आप जरूर आगे बार चाय ट्राई जरूर करना भाई का। ओ भाई साहब फाइनली ना मुझे लिफ्ट मिल चुकी है, मुझे जाना था कहाँ था वो लाल चेहरा था होटल है वो मिजोरम का। तो फाइनली यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए इधर, सच में लिफ्ट नहीं मिल पा रहा है। अभी हो चुके हैं 5 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, आप देख ही रहे होगे यार। तो सच में यार और भैया थैंक यू सो मच भैया ने लिफ्ट दिया। तो भाई अभी जा रहे हैं पानी जाकर, वहाँ देखते हैं कि कुछ करते हैं सोने पर, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हो रहा है। तो भाई पानी सागर जाके देखते हैं यार कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। चलो मैं भैया के साथ अंदर बैठा रहता हूँ। थैंक यू। तो भाई आप सोच रहे होगे कि मैं रोड से सीधा घर में कैसे आ गया, वो मैं भाई इन जनाब की वजह से सीधा इस घर में आ चुका हूँ। भाई है रेलवे के एम्प्लॉय, तो भाई ने मुझे लिफ्ट दिया, और भाई तो आप रात ज़्यादा हो चुकी थी, तो भाई ने कहा कि चलो आप मेरे घर पर ही चलो, आज की रात आप हमारे साथ ही रुक जाना। तो सीधा भाई के साथ आ गया, भाई का नाम है रोहित कुमार। भाई का नाम तो मैं अब पूछ रहा हूँ सच में इतनी देर बाद, अरे यार ये तो गलत हो। तो भाई ने अभी बनाया देखो चिकन और रोटी, और अब हम खाने जा रहे हैं। तो भाई साहब खाना पीना हो चुका है, और सच में यार भाई ने ना खाना बहुत अच्छा बना रखा था, मज़ा आ गया। इतने दिनों बाद भी मैंने गेहूँ की रोटी खाई है यार। नॉर्थ ईस्ट में ना आपको सिर्फ मैदे की ही रोटी मिलेगी खाने को, और कुछ नहीं मिला। और बहुत दिनों बाद मैंने चिकन भी खाया है, वैसे चिकन बाहर भी खाया था, पर जो घर का चिकन है ना वो फील आ जाइए यार खाने में, बड़ा मस्त था, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। और भाई को बहुत बहुत थैंक यू रोहित भाई। तो भाई मज़ा आ गया, तो भाई भाई से भी मिलवा ही दिया है, तो भाई से मिलवा दिया है, अब हम जा रहे हैं सोने। तो भाई सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।